subscribe and press the bell icon. Search Science Class. Hello students, welcome to Search Science Class. तो आज हम लोग मैग्नेट का नेक्स्ट वीडियो यानी कि सेकंड पार्ट मैग्नेट चैप्टर का क्लास टेंथ की बात मैं कर रहा हूँ अभी, ठीक है. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने फर्स्ट टॉपिक कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि मैग्नेट क्या होता है. इंट्रोडक्शन क्लास था उसके अंदर, मैग्नेट क्या है, मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, ठीक है. इनके बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है. अच्छा, उसके बाद आपके मन में एक सवाल, नॉर्मली एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता कैसे चलता है, कैसे पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है, कभी देखने को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है. उसके लिए आप चाहो तो घर बैठे भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, बहुत सारे आयरन फिलिंग्स ले लिया. आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन के टुकड़े, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े ले लिए आपने, ठीक है, बहुत सारे. और आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, उसको किसी मतलब किसी कार्डबोर्ड पर आपने उसको रख दिया, किसी कार्डबोर्ड पर रख दिया, मतलब किसी मान लो एक कार्डबोर्ड है, इस पर आपने रख दिया आयरन फिलिंग्स को, ये नीचे में होना चाहिए, ठीक है. आयरन फिलिंग्स आपने बिछा दिया, पूरे बीच में थोड़ा स्पेस बना करके उसमें क्या करो, आप एक बार मैग्नेट रखो, आप एक बार मैग्नेट रखोगे, ठीक है. जैसे ही आप एक बार मैग्नेट रखोगे बीच में, और बहुत सारे आयरन फिलिंग्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे क्या है आयरन फिलिंग्स जमा है अभी, ठीक है, बहुत सारे आयरन फिलिंग्स जमा कर दिया आपने, बहुत सारे आयरन फिलिंग्स ले लिया. अब क्या करना, आपको इस बार मैग्नेट को थोड़ा सा शेक करना है, हिलाना है, इस तरह से थोड़ा सा शेक करना. जैसे ही शेक करोगे ना, ये जो आयरन फिलिंग्स है इसका कुछ आप देखना, सब कुछ चेंज, मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही इसका चेंज हो जाएगा. अब ये आयरन फिलिंग्स पता है कैसे हो जाएगा, इस तरह से अरेंज हो जाएगा इस बार मैग्नेट की चारों तरफ, देखना आप कुछ आयरन फिलिंग्स कुछ इस तरह से जमा हो जाएगा, कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा अपने आप, कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा बार मैग्नेट के चारों तरफ. और यहाँ पर देखना आप, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बहुत सारा आयरन फिलिंग्स यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर बहुत सारा आयरन फिलिंग्स इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ बहुत सारा आयरन फिलिंग्स इकट्ठा हो जाएगा. आप देख सकते हो कि आयरन फिलिंग्स का जो शेप है वो कुछ किस इस तरह से हो गया, कुछ इस तरह से हो गया. क्या हुआ कि सर जो हमारा ये है पोल्स है उस पर तो सर बहुत सारे आयरन फिलिंग्स आ गए और इस तरह से अरेंज हो गए आपस में, आयरन फिलिंग्स इस तरह से अरेंज हो गए, ठीक है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आयरन फिलिंग्स आप देखो इमेजिनरी कुछ लाइंस क्रिएट हो रही है, इसके अंदर कुछ इमेजिनरी लाइंस डेवलप हो रही है, इसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, इसी को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, जो कि इमेजिनरी दिखाई नहीं देती, क्लियर चीज, ओके. तो ये था हमारा बार मैग्नेट की तरफ या किसी मैग्नेट के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाती है, डेवलप हो जाती है, ठीक है ना, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ, ठीक है. चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज इसको. ये तो मैंने आपको बता दिया बिकॉज ये मेरे जहन में क्वेश्चन आ गया था कि किस तरह से जनरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व किया जा सके, आपके माइंड में ये क्वेश्चन रहा होगा और वो मैंने क्लियर कर दिया आज, ठीक है. अब हम बात करेंगे जो नया टॉपिक है हमारा, नया टॉपिक न्यू टॉपिक है वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. आप ध्यान देना यहाँ पे मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर लिखा है, मतलब ये नहीं बोला मैंने कि इस तरह का कंडक्टर उस तरह का कंडक्टर कुछ भी लिखा, मैंने सिर्फ लिखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड, चैप्टर का नाम ही एक्चुअली यही है. अब हमारा टॉपिक मेन यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से, करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लो एक कंडक्टर है और वो करंट कैरी कर रहा है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसकी वजह से जो मैग्नेट, मतलब अब इसका मतलब क्या सर, इसके अंदर मान लो कोई कंडक्टर उसमें मान लो मैग्नेटिक करंट फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सर उसके अंदर जब करंट फ्लो होगा, मान लो किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा तो क्या उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, यस, बिकॉज किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होता है दोस्तों तो उसके चारों तरफ यानी कि वो जो कंडक्टर है अब जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है ये कंडक्टर अब मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है और अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है और इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो गया. आपको कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा, मान लो आपने कोई वायर लिया, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, आप क्या करोगे, आपको चेक करना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट है कि नहीं इसके अंदर, आप क्या करोगे यहाँ पर एक कंपास ला के रखोगे, कंपास जिससे डायरेक्शन का पता करते हैं. जैसे ही आप कंपास लाओगे ये जो निडल है कंपास की वो डिफ्लेक्शन स्टार्ट कर देगी, कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्शन स्टार्ट कर देगी. इसका मतलब ये है, अच्छा इसको जैसे जैसे दूर ले जाओगे डिफ्लेक्शन कम होता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि डिफ्लेक्शन क्या हो, बिल्कुल कम हो गया. तो कंपास के डिफ्लेक्शन से पता चल जाता है कि सर कहीं ना कहीं इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और उसी का नाम ये, इसके वजह से इस टॉपिक बन गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर.
तो हम लिखेंगे कि व्हेन द करंट फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और उसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड अराउंड दैट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग इसके अंदर, दिस इज कॉल्ड, दिस फिनोमेनन इज नॉट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। समझ आ गई बात, क्लियर चीज, कोई दिक्कत तो इसके अंदर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा कि अभी तक हमने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर की वजह से, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, लेकिन कैसा कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर, कैसा कंडक्टर, बहुत बहुत शेप में आते हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना है करंट ड्यू टू करंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ पर क्या ऐड करूंगा मैं, नया टॉपिक हमारा बन गया यहाँ से कि सर अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो क्या होगा, स्ट्रेट करंट, करंट कैरिंग कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए सर क्या रूल क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कैसे पता चलाएंगे, मतलब अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करनी है, मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना है किसमें, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता लगाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वेज आपने देखे होंगे, आज मैं भी ये तरीका बताता हूँ। देखो क्या करना है, इसके लिए क्या है, आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा, उसमें क्या है कि कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड लेना है और कार्डबोर्ड कुछ ऐसा फ्लैट होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, थोड़ा सा स्क्वायर शेप का, देखो ऐसा कार्डबोर्ड लेना है आपको, एक ऐसा कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है, कार्डबोर्ड ले लिया, कार्डबोर्ड में एक छोटा सा होल करना है यहाँ पर, और यहाँ से नीचे से क्या करना है, एक वायर गुजारना है, यहाँ से एक वायर गुजारना है, स्ट्रेट वायर होना चाहिए, स्ट्रेट वायर होना चाहिए, ठीक है, एक वायर लेना है, स्ट्रेट वायर होना चाहिए, और वायर में क्या करना है आपको, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर देनी है, ठीक है, बैटरी कनेक्ट कर देनी है, ठीक है, ये बैटरी कनेक्ट कर देनी है, ये पॉजिटिव होता है बड़ा वाला, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या है कि हमें पता लगाना है कि सर ये जो वायर स्ट्रेट वायर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जनरेट होगी, कैसे होगी, देखो अब आप क्या करो, यहाँ से स्विच ऑन करो और करंट फ्लो करवाना स्टार्ट करो, जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा यहाँ से, जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा क्या होगा दोस्तों, जब आप इस कार्डबोर्ड पर, जो कार्डबोर्ड ऐसा रखा हुआ है, कार्डबोर्ड ऐसा रखा फ्लैट रखा हुआ है, इस कार्डबोर्ड पर कहीं पर भी, मान लो यहाँ पर आपने क्या रखा, कंपास रखा, जैसे आप यहां पर कंपास रखोगे वैसे ही कंपास की जो निडिल है, जरा देखना कंपास की निडिल है वो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में शो करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अभी आपको नहीं पता किधर है डायरेक्शन, अभी पता चलेगा, जब आप कंपास यहां रखोगे तो उसकी डायरेक्शन निडिल ऐसे होगी, समझ आई बात, क्लियर चीज, ओके। अच्छा, अब अगर कंपास को उठा, किसी कंपास को यहां से उठाओ, इसे एरो लगा दो यहां पर, एक उठाओ यहां रखो, जब यहां रखोगे तो उसका जो निडल है वो कुछ ऐसा दिखाएगा, इसी कंपास को उठाकर जब यहां रखोगे तो उसकी निडल ऐसे दिखाएगी, इसी कंपास को उठाकर जब यहां रखोगे उसकी निडल ऐसे दिखाएगी, मतलब आप जब इसको थोड़ा सा मिला दोगे सारे लाइन को, सारे एरो को, तो कुछ इस तरह से सर्कल्स, इसी कंपास को तुम चाहो कि सर थोड़ा और दूर करके करें तो भी आपको एक फिर से एक कॉन्सेंट्रिक एक सर्कल मिलेगा, इस तरह से करते करते बहुत सारे सर्कल्स मिलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलेंगे, कॉन्सेंट्रिक क्या मिलेंगे, सर्कल्स मिलेंगे, यानी ऐसा सर्कल, बहुत सारे ऐसे सर्कल जिसका सेंटर एक ही हो, तो ये कंसेंट्रिक सर्कल क्या बता रहा है सर, ये डायरेक्शन बता रहा है, देखो ये डायरेक्शन बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रही है, क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि सर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में कुछ इस तरह से होगी, सर्कुलर शेप में, कॉन्सेंट्रिक शेप में। ठीक है, तो इसके अंदर हम यही लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया हमने जिसमें दिखा दिया कि सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है कंपास की मदद से। ठीक है, तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आप लिखोगे क्या, इसको इसी को लिखोगे, वी हैव टेकन अ कार्डबोर्ड इन विच वी मेड अ होल, इसमें होल बनाया मैंने और उसके अंदर एक वायर पास के स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया और उसमें क्या लगा, एक बैटरी लगाया करंट फ्लो के, जब व्हेन करंट फ्लोस, जब करंट फ्लो होगा, अब उसके बाद क्या होता है लिख दो, व्हेन करंट फ्लोस, ठीक है, जब करंट फ्लो होता है देन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ, वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है दैट इज इन द कंसेंट्रिक सर्कल्स, दिस शोज बाय द हेल्प ऑफ कंपास, बाय द हेल्प ऑफ कंपास दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आप चाहो तो इसको अच्छे से डायग्राम बना सकते हो, समझ आ गई बात। तो ये था हमारा क्या, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ से एक लॉ है, एक रूल है, वो रूल क्या है, कौन सा रूल है, यहाँ से एक रूल पढ़ेंगे हम लोग, उसको आप चाहो तो नोट डाउन कर लो। ठीक है, वो रूल क्या, यहाँ से एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, जिन्होंने रूल दिया था, क्या रूल दिया था मैक्सवेल ने, रूल दिया था राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड
थंब रूल, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, या इसको कभी कभी मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल के नाम से भी जानते हैं, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल के भी नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या कहा था, देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप समझ जाओगे, ठीक है। मान लो एक वायर है, ये क्या है, एक वायर है, ठीक है, कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है, ओके। उसने उन्होंने ये कहा था कि मान लो, ठीक है, देखना प्लीज, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, देखो आप देख सकते हो, ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि जब किसी वायर को आप राइट हैंड में इस तरह से पकड़ दो, नाम ही है राइट हैंड थंब रूल। देखो डायग्राम अच्छा नहीं है, देखना ध्यान से, बताना कमेंट में कैसा डायग्राम बनाए, ठीक है। क्या है कि जब राइट हैंड से हम लोग किसी वायर को जब पकड़ते हैं, किसी वायर को इस तरह से पकड़ते हैं, इस तरह से, ठीक है, जब राइट हैंड में, तो जो हमारा थंब है, अगर करंट का डायरेक्शन थंब के डायरेक्शन में है, याद रखना, अगर करंट का डायरेक्शन थंब के डायरेक्शन में है, तो जो ये हमारी रैपिंग फिंगर है, ये जो हमारी रैपिंग फिंगर है, दिस इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या कह रहा है मैक्सवेल ने, क्या कहा था, जब किसी कंडक्टर को, इफ वी होल्ड अ कंडक्टर विद आवर राइट हैंड, इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर विद आवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द रैपिंग फिंगर, देन द रैपिंग फिंगर विल इंडिकेट, रैपिंग मतलब जिससे हमने इसको पकड़ रखा, सराउंड कर रखा है, देन द रैपिंग फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस वॉज द रूल ऑफ मैक्सवेल, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। समझ में आ गई बात, क्लियर है चीज, क्या कहा मैक्सवेल ने इसके बारे में कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, कि जब किसी कंडक्टर राइट हैंड में पकड़ेंगे, कि हमारा थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को बताता है, जो रैपिंग फिंगर होगी वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। इसको हम चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि ये हमारा क्या है, कंडक्टर है जिसमें करंट ऊपर को फ्लो हो रहा है, तो जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, वो कुछ इस तरह से होगी। देखो आप कैसे शो हो रहा है, देखो थंब की डायरेक्शन में हमारा करंट का डायरेक्शन है, और रैपिंग फिंगर हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से, या मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था, और किस चीज के लिए दिया था, इसका एप्लीकेशन क्या है, राइट हैंड थंब रूल का एप्लीकेशन पेपर में आ जाए तो क्या लिखोगे, यूज क्या था इसका, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमारे इस तरह से तीन केसेस है इसके अंदर, एक तो स्ट्रेट कंडक्टर, एक है हमारा दूसरा है नॉर्मली सर्कुलर लूप के लिए, मतलब जो वायर को हमने सर्कुलर लूप बना दिया, और तीसरा सोलेनोइड के लिए जिसको स्प्रिंग के फॉर्म में बना देते हैं। तो उसको लिख लेंगे, इस लॉ को क्या लिखेंगे, इस लॉ को, इस रूल को लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इस रूल को लिखेंगे, क्या लिखेंगे इस रूल को, कि इट स्टेट्स दैट इफ वी होल्ड करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, इन आवर राइट हैंड इन सच अ वे मतलब इस तरह से कि इन सच अ वे दैट आवर थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द रैपिंग फिंगर वही लिख रहा हूँ जो मैंने आपसे कहा है, then the rapping finger will indicate the direction of magnetic field। देखो मैंने क्या कहा था, इट स्टेट्स दैट वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन आर राइट हैंड इन सच अ वे दैट इस तरह से कि आवर थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट कर रहा है, देन द रैपिंग फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रैपिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को
बताएगा, इंडिकेट करेगा। तो ये था हमारा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, और इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सर्कुलर लूप के बारे में और उसके सोलेनोइड के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला हमारे लिए। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो जल्दी से फटाफट लाइक और कमेंट करें। और आपको कोई डाउट्स होता है तो प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि क्या डाउट है, समझ में क्या नहीं आया आपको। इसको बहुत ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइक भी करो और बहुत ज़्यादा शेयर करो। अगर आप नए हो तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है, टाइम टू टाइम। पिछली वीडियो का नोटिफिकेशन हमने पिछले वीडियो का लिंक जो हमने डाल रखा है उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके विजिट कर सकते हो और देख सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स वॉचिंग वीडियो, थैंक्स लॉट।